हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो और वो एक मेरा DIY ही प्रोजेक्ट है। तो उसको शो करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ हमारे गार्डन के प्यारे प्यारे से फ्लावर्स। आज कौन कौन सी ब्लूमिंग हुई है मेरे टेरेस पे, तो फ्रेंड्स इस समय हमारे गजानिया, सनफ्लावर, कॉस्मोस, ये सब काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, हमारे सारे समर प्लांट्स। और हमारे पार्टुला का और ये मेरा एक और DIY प्रोजेक्ट जो मैंने आपसे शेयर किया था, हमारे डॉल प्लांटर हैं। तो इसमें भी देखिए मैंने कटिंग्स लगा दी हैं अपने सन रोज और टेंगल हार्ट वाइन की, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे बीच में। और फ्रेंड्स अभी देखिए मेरे अजेलिया पे भी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें भी एक शेड, डबल शेड वाला फ्लावर खिला हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अजेलिया भी अभी ब्लूमिंग कर रहा है, और ये हमारा जीनिया, ये भी अच्छे से है ब्लूमिंग पे। मेरे प्यारे ये तीन वाइट कलर के रोज़ जो हैं देखिए 4 नंबर्स में खिले हैं, और ये वाइट अपराजिता भी। और फ्रेंड्स बहुत ही इंतज़ार करने के बाद मेरे ये हिबिस्कस आज ओपन हुए हैं, और इन्हें मैंने 2-3 महीने पहले लगाया था, और देखिए आज इसमें 3 फ्लावर्स एक साथ ब्लूम हुए हैं, और इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद है। ये देखिए आज 3 फ्लावर्स एक साथ ब्लूमिंग किए हैं इसके, बहुत ही प्यारा कलर है मेरे इस हिबिस्कस का, आई जस्ट लव दिस। और इधर हमारे कॉस्मोस अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। और अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और देखते हैं मैंने क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने वेस्ट बॉटल को यूज़ करते हुए कुछ प्लांटर्स बनाए हैं और कुछ स्टिक्स बनाई है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपसे स्टिक शेयर कर लेती हूँ अपना, जो मैंने वेस्ट बॉटल से बनाया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे फिश स्टिक्स हैं जो मैंने वेस्ट बॉटल से बनाए हैं, ये देखिए। और ये देखिए मैंने कैसे बनाया है इसे, वो भी मैं आपसे डिस्क्राइब कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बॉटल है हमारी पेप्सी की, ये देखिए, और जो ये इसके कैप का एरिया है ये ऊपर वाला, इसको मैंने कैप कट करके निकाल दिया है, और नीचे से फिश का शेप देते हुए इस बॉटल को मैंने काट लिया है, और उसके बाद नीचे से होल करके मैंने इसमें ग्लू गन की मदद से अपना ये स्टिक यहाँ पे टक कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसे फिश के तरीके से कलर कर दिया है। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है हमारा ये फिश स्टिक। और इस तरीके से वेस्ट बॉटल से हम बहुत ही अच्छे अच्छे अपने गार्डन डिकोर आइटम बना सकते हैं, और अपने गार्डन को बहुत ही अच्छा और कलरफुल लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बड़े बड़े स्टिक्स मैं अपने क्यारी में लगाने के लिए मैंने बनाए हैं, और ये देखिए इस तरीके से जब हम इसे स्टिक कर देते हैं तो कितना प्यारा लगता है। और अभी मैंने ये 2 कलर में बनाया हुआ है ये अपना फेस स्टिक, ये देखिए, और इस तरीके से मैंने इसे अपने क्यारियों में सजा दिया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये फेस स्टिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट मैं आपसे अपने प्लांटर्स शो करने वाली हूँ जो मैंने बनाया है वेस्ट बॉटल से ही अगेन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा पहला जो प्लांटर है ये बुद्धा प्लांटर है, और इसमें देखिए मैंने मॉस रोज की कटिंग लगाई हुई है, और मेथड मेरा सेम वही है हमारा
ये कैप का, एक बॉटल के कैप का हिस्सा नीचे है और दूसरा बॉटल का कैप का हिस्सा मैंने इसमें नीचे लगाया है। और यहाँ मैंने एमसेल का यूज़ करते हुए इनके हेयर के लुक को दिया हुआ है और ये भी एमसेल से बनाया है। और इस तरीके से ये मेरा बुद्धा प्लांटर, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये बुद्धा प्लांटर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा जो मैंने अपने प्लांटर बनाया है नेक्स्ट, वो भी मैं आपसे शो करती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा ये ट्रेन प्लांटर है, ये देखिए। और ये सारी वेस्ट बॉटल से ही बना हुआ है और इसको भी मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ बॉटल के नीचे के हिस्से लिए हैं और इन सबको ग्लू गन से एक दूसरे से जोड़ दिया है। और नीचे मेरे बच्चों के कुछ टॉयज़ के पहिए जो थे उसको मैंने टक कर दिया है। और इसमें एक विंडो एंड डोर, ये सारी चीज़ें बना दी हैं। और आगे के एरिया में मेरा ये एक छोटा सा बॉटल था, जो फीज़ के बॉटल्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक के, वो थे। और अगेन मैंने इसमें एक अपने बच्चों का ही खिलौने का पहिया यूज़ किया है और इसे एक ट्रेन का लुक देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फिश ट्रेन प्लांटर है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ट्रेन प्लांटर कैसा लगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को मेरे ये DIY आइडियाज़ पसंद आते हों और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा प्लांटर सबसे अच्छा लगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।